अगर आप निवेश के लिए किसी बेहतर स्टॉक की तलाश में हैं, तो EPL लिमिटेड के शेयरों पर नजर रख सकते हैं। ब्रोकरेज फर्म ने इस शेयर में तेजी की उम्मीद जताई है। बीते शुक्रवार को कंपनी के शेयर में 0.48% की गिरावट आई है और ये स्टॉक 198.40 रुपये के भाव पर बंद हुआ है। इस गिरावट के साथ ही कंपनी का मार्केट कैप घटकर 6,316.64 करोड़ रुपये हो गया। स्टॉक का 52 वीक हाई 236 रुपये और 52 वीक लो 169.85 रुपये है। ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने 27 जून 2024 की अपनी रिसर्च रिपोर्ट में स्टॉक को बाय रेटिंग दी है और 250 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है। इस हिसाब से कंपनी के शेयर में 26% की मजबूत रैली आने की संभावना है। EPL पर क्या है ब्रोकरेज की राय? ब्रोकरेज ने अपनी रिपोर्ट में कहा, EPL ने इन्वेस्टिंग कम्युनिटी को होस्ट किया, जिसके बाद वापी फैसिलिटी में प्लांट का दौरा किया गया, जहां मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी में सुधार के लिए इस्तेमाल की जाने वाली टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और प्रक्रियाओं का प्रदर्शन किया गया। टीम को CFO दीपक गोयल, प्रेसिडेंट MSA श्री हरि राव, क्रिएटिव और इनोवेशन CNI हरिकरण, मैन्युफैक्चरिंग हेड संतोष उल्लाल, IR और कॉरपोरेट फाइनेंस आलोक शर्मा ने रिप्रेजेंट किया। वापी प्लांट में EPL कैप्स ट्यूब्स का निर्माण करता है और लेमिनेशन प्रिंटिंग करता है। ब्रोकरेज ने कहा कि EPL का लक्ष्य अपने BNC सेगमेंट और ब्राजील के मार्केट के जरिए ग्रोथ को आगे बढ़ाना है, जिसमें मार्जिन में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। पिछले एक महीने में EPL के शेयर में करीब 10% की तेजी आई है। हालांकि पिछले 6 महीने में कंपनी के शेयरों में करीब 2% की गिरावट देखने को मिली। पिछले एक साल में इसके निवेशकों को 7% से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। इसके अलावा पिछले 5 सालों में इसके निवेशकों को 52% का रिटर्न मिला है।